हेलो फ्रेंड्स इन्वेस्ट फॉर में आपका एक बार फिर से स्वागत है और हम बात करने वाले एक दिग्गज शेयर से रिलेटेड जो जिसमें मुझे बहुत ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहे हैं जिसमें एक अच्छा खासा एक चार्ट पैटर्न भी बनता हुआ नजर आ रहा है तो उसी से रिलेटेड बातें करेंगे कह सकते हो इसे ब्रेकआउट ऑफ द डे या फिर चार्ट ऑफ द डे आप कुछ भी कहना चाहें तो आप कह सकते हैं यहाँ पर एक बना रखी है इन प्लेलिस्ट को गो आपको अच्छी खासी नॉलेज यहाँ पर मिलती हुई नजर आएगी ओके यहाँ पर तीन प्ले लिस्ट आपके लिए बना रखी है तो यहाँ पर सॉरी पांच प्ले लिस्ट बना रखी है इन को जो गो थ्रू करिए अच्छे अच्छे आपको शेयर्स मिलेंगे अच्छे अच्छे आपको नॉलेज मिलती हुई नजर आएगी इसके थ्रू आप फ्यूचर में कभी भी आप किसी भी शेयर को अच्छे तरीके से जज कर पाएंगे टेक्निकल देख पाएंगे और अच्छा खासा यहाँ पर मार्केट्स में पैसा कमा पाएंगे तो आइए वीडियो की तरफ चलते हैं बट तो बिफोर द वीडियो मैं आगे बढ़े रिक्वेस्ट करूंगा एक बार चैनल को हमारे चैनल सब्सक्राइब करे नए आए हैं तो बेलाइकन को हिट कर लीजिए एज वेल एज अगर बात करें दूसरे लोगों को भी कनेक्ट करें ताकि वो भी मार्केट से पैसा कमा सके नॉलेज ले सके और अगर डी ट्रेडिंग अकाउंट है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है क्लिक करें फ्री में आपका अकाउंट ओपन हो जाएगा तो हम जिस वीडियो से जिस शेयर से रिलेटिव बातें करने वाले हैं सबसे पहले नाम बता देता हूं बानको प्रोडक्ट इस कंपनी का नाम है वन सिक्सटी पर ये शेयर चल रहा है और 3.59 परसेंट की यहां पर लास्ट टाइम ट्रेडिंग सेशन में यहां पर जंप देखी गई है फाइव डेज का चार्ट पैटर्न देख सकते हैं ओके एक साइडवेज है हम यहाँ पर वन मंथ का चार्ट पैटर्न देखिए गिरावट दिखेगी सिक्स मंथ का चार्ट पैटर्न देखते हैं तो एक अच्छी खासी जंप है ईयर ईयरटिल डेट देख सकते हैं यहाँ पर जंप है वन ईयर का चार्ट पैटर्न देख लीजिए यहाँ पर जंप है मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए मैक्सिमम चार्ट पैटर्न यहाँ पर एक स्मॉल कैप कंपनी है तो यहाँ पर बहुत ज्यादा बीच में हर्डल्स आपको दिखाई देंगे जंप भागता है फिर गिरता है फिर है, फिर भागता है है गिरता तो यहाँ पर आपको ज्यादा इन्वेस्टमेंट नहीं करना है पहली बात ओके क्योंकि स्मॉल कैप कंपनी है और उसके बाद दो में देखे तो यहाँ पर एक अच्छी खासी गिरावट है उसके बाद ये शेयर भागता हुआ दिखाई दे रहा है तो यहाँ पर ये गिरावट क्यों है तो देखिए दो में अगर हम बात करें तो यहाँ पर ये जो कंपनी है ये ऑटो एंसिलरी से रिलेटेड कंपनी है तो जितनी भी ऑटो एंड की जो कंपनी थी उसमें एक गिरावट देखी गई थी तो इस वजह से यहाँ पर एक गिरावट देखी गई है और उसमें अभी ये रिकवर नहीं कर पाया है तो मुझे लग रहा है कि इस बार ये रिकवर भी करेगा एज वेल एज ये भागेगा भी और अच्छा खासा यहाँ पर आपको गेन भी मिलते हुए नजर आएंगे बट एक राइट टाइम पर एक शेयर को चुनना बहुत जरूरी होता है तो वो राइट टाइम अभी मुझे लग रहा है इसके अलावा हम और भी कुछ चीजों की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं वन नाइन्टी नाइन रुपीज़ पर या फिफ्टी जून को फिफ्ट ट्वेंटी फाइव जून को आया था उसके बाद से एक गिरावट है सतहत्तर uh, रुपये का या तीन अगस्त दो हज़ार बीस को शेयर था आज के अगर बात करें लास्ट ट्रेडिंग सेशन की तो लगभग लग तीस परसेंट एक लाख चुमवालीस हज़ार शेयर यहाँ पर डिलीवरी बेसिस पर उठाए गए यहाँ पर कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड डिविडेंड दे, देना शुरू कर दिया है इसका मतलब है कंपनी अच्छा खासा परफॉर्म कर रही है और यहाँ पर कभी भी जु जुलाई में कभी भी इसके रिजल्ट आ सकते हैं इस बात पे भी हमें गौर करना है और यहाँ पर अगर देखें सिक्सटी सेवन पॉइंट एट एट परसेंट के शेयर प्रमोटर्स के पास है कोई भी शेयर गिर भी नहीं है इसके अलावा हम देखते हैं तो इस कंपनी ने तीन बार वन रिशो वन वन रिशो वन और वन रिशो टू का यहाँ पर बोनस अनाउंस किया है दो में नाइनटीन में टू में तो यहाँ पर इसे देख सकते हैं स्प्लिट की बात करें तो एक बार स्प्लिट भी हुआ है दो में मतलब दो वाला जो इसका ईयर था इसने अच्छा खासा मतलब बात करें पहले

तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बानको लिमिटेड मैन्युफैक्चरिंग एंड सप्लाइज इंजन मतलब इंजन कूलिंग मॉड्यूल एंड सिस्टम एंड 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 इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन फॉर बोथ डोमेस्टिक इंटरनेशनल मार्केट तो मतलब कंपनी क्या बनाती हुई नजर आती है कंपनी बनाती है जो आपकी टू व्हीलर और थ्री व्हीलर और फोर व्हीलर में जो आपके वो कूलिंग जो मॉड्यूल्स लगे होते हैं कूलिंग जो इंजन होते हैं उस, उसके वो, वो प्रोडक्ट्स बनाती हुई नजर आती है और लगभग चालीस साल का इनके पास एक्सपीरियंस है इस चीज को देखिए एज वेल एज बात करें और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर हम इनकी वेबसाइट पर अगर एक बार जाते हैं तो यहाँ पर इनकी वेबसाइट पर जाके आप देख सकते हैं कंपनी एफिशिएंट कूलिंग सिस्टम पर बनाती हुई नजर आती है सपोर्टिंग सस्टेनेबल मोबिलिटी एज एज वेल पर और भी चीज़ें देखिए यहाँ पर जो इंजन में यहाँ पर जो लगा रहता है ना गाड़ियों में आगे वो ये यही बनाते हैं अगर इसके अलावा इंटीग्रेटिव मैन्युफैक्चरिंग यहाँ पर ये इनकी है और यहाँ पर और भी कुछ चीजों की देखिये पैशन फॉर परफॉर्मेंस यहाँ पर नीचे आ जाते हैं इनके जो क्लाइंट्स हैं बड़े 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 क्लाइंट्स है अगर देखें यहाँ पर देखिए रेडिएटर्स ऑयल कूलर ओके इंजन कूलिंग असेंब, असेंबलर्स चा, चार्जेस एयर कूलर्स यहाँ पर ये यह, इसके अलावा इंजन सीलिंग सिस्टम की बात करें तो ये देखिए सीलिंग घासकेट्स गा, जॉइंट्स गास गास्केट शीट्स ओके रबर प्रोडक्ट्स एज वेल एज एम गास्केट ये चीजें बनाती हुई नजर आती है इसके अलावा हम यहाँ पर थोड़ा सा नीचे आते हैं तो यहाँ पर इनके यहाँ पर देख सकते हैं ये फोर व्हीलर जो एस होती है फोर बाई फोर एस के लिए प्रोडक्ट्स बनाते हैं हाईवे ट्रक्स एंड बिजनेस के लिए बिजनेस ये प्रोडक्ट्स बनाते हैं ऑफ हाईवे के लिए प्रोडक्ट बनाते हैं जो यहाँ पर ये यह मशीन आती है ट्रैक्टर के लिए इनके जो प्रोडक्ट्स आते हैं यहाँ पर इक्विपमेंट और ये सारी की सारी चीजें चल रही है यहाँ पर इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव डीजल एंड इलेक्ट्रिक जो ये ट्रेन uh, से रिलेटेड ये कंपनी काम करती होती है

Uh, यहाँ पर सी एन एच इंडस्ट्री कैप्टन एस्कॉट्स आइश फोर्स मोटर्स गोदरेज हार्ले डेविडसन यहाँ पर देख लीजिए एज वेल एज आयरसोल यहाँ पर इंडियन रेलवे जेएसबी एस जॉनसन जॉन डीरी किन्रोस्कर किर्लोस्कर एज वेल एज मिस मिसुबी महिंद्रा यहाँ पर देखिए महिंद्रा आ, महिंद्रा स्वराज सोना मतलब इतनी लंबी चौड़ी इनकी लिस्ट है यहाँ पर देखिए टेफ यहाँ पर मतलब इंडिया नहीं भी यहाँ पर एक्सपोर्ट करती है स्टर्लिंग स्वराज मतलब लंबी चाली अभी खत्म नहीं हो रही है टाटा टीवीएस वी एस वी टी टिल यहाँ पर इतने बड़े बड़े इनके क्लाइंट्स है तो आप यहाँ पर खुद सो सकते हैं यहाँ पर सारे के सारे प्रोडक्ट्स बिच रहे हैं पर ट्रैक्टर भी बच रहे हैं यहाँ पर टू व्हीलर टीवीएस बिच रहा है पर पर भी रहा है शोकलैंड के बड़े बड़े ट्रक्स बिक रहे हैं यहाँ पर पर कंपनीज में यहाँ पर प्रोडक्ट्स बिक रहे हैं तो यहाँ पर आपको ये चीज समझनी होगी और इसके हिसाब से आप अगर यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर इसकी जो सेल्स है वो भी यहाँ पर इंक्रीज होती हुई फिर दिखाई देगी इसके अलावा हम बात करते हैं और भी कुछ चीज की और जैसे जैसे कोरोना कोरोना तो बढ़ी रहा है लोग अलग अलग व्हीकल्स भी ले रहे हैं टू व्हीलर ले रहे हैं फोर व्हीलर ले रहे हैं और जैसे जैसे लोगों की इनकम धीरे धीरे बढ़ेगी इंडिया जैसे डेवलपिंग से डेवलपमेंट की तरफ बिल्कुल जा रहा है तो ऑब्वियस ऑबियसली बात है हर एक लोगों के पास यहाँ पर कार भी होंगी बाइक्स भी होंगी और एक एक नहीं दो दो होंगी क्योंकि इंडिया बहुत पीछे है अगर बात करें इस चीज में अगर बात हम देखते हैं अमेरिका से इंडिया काफी पीछे है यहाँ पर इंडिया में केवल बीस से तीस लोग ही यहाँ पर सौ एक लोगों में बीस से तीस लोग ये चीजें रखते हैं कार्स और अगर बात करें फॉरन में हंड्रेड में आसपास नाइन फिफ्टी के आसपास रखते हैं लास्ट अगली बार इसका डेटा दे, भी देखेंगे तो यहाँ पर जब सब चीज ग्रोइंग मैनर में, में हो तो बहुत ज्यादा से यहाँ पर चांसेस हो जाते हैं मार्केट कैप स्मॉल कैप कह दिया है पहले ही बता दिया है यहाँ पर बहुत सस्ता यहाँ पर शेयर मिल रहा है आर ओ सी एटीन परसेंट का डेट की बात करें टू परसेंट का डेट है ना के बराबर डेट है और यहाँ पर अगर हम इंटरेंसिक uh, वैल्यू देखें दो सौ पंद्रह रुपए की इंटरसिक वैल्यू है जो ट्रू वैल्यू इसकी निकल के आनी चाहिए उससे नीचे यहाँ पर शेयर चल रहा है इसके अलावा और भी कुछ चीज़ों की अगर हम बात करें तो यहाँ पर इनके पीयर कंपेरिजन करें तो पी रेशो देखिए सबसे कम का पी ई रेशो इसका है और आर ओ सी देखिए अच्छी खासी सबसे अगर बात करें एक आध कंपनी को छोड़ के दूसरे नंबर पर आर ओ सी में सबसे आगे निकलती है जब यहाँ पर सब चीज़ अच्छे हो तो ऐसी चीज ऐसी कंपनी को छोड़ा नहीं करता इसके अलावा देखें 2018 में यहाँ पर अच्छी खासी यहाँ पर सेल्स हुआ करती थी फिर उसके बाद एक अच्छी खासी गिरावट फिर उसके बाद अगर देखें तो पिछले तीन क्वार्टर की और यहाँ पर देखें तो हाईएस्ट लेवल यहाँ पर सेल्स आती हुई दिखाई दी है ओके ऑपरेटिंग प्रॉफिट यहाँ पर, पर हाईएस्ट लेवल आना दिखाई दे दिया और नेट प्रॉफिट की बात करें तो पिछले 3 क्वार्टर से हाईएस्ट लेवल नेट प्रॉफिट भी आ रहा है इसके अलावा और भी कुछ बातें करें ईयरली बेसिस पे तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2010 में चार करोड़ की सेल्स थी कंटिन्यूटी के साथ यहाँ पर बढ़ रही थी 2018 तक अगर देखें 2019 तक इवन बढ़ती थी, थी फिर उसके बाद दो में थोड़ी सी गिरावट हुई और अगर देखें तो हाईएस्ट एवर ही नंबर आ रहे हैं पिछले तीन साल में और यहाँ पर दो में आपको पता ही है यहाँ पर सेल्स बिल्कुल ही कम हो गई थी यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर दो सौ चौहत्तर चार इस वजह से यहाँ पर गिरावट थी जस्ट बिकॉज ऑफ लॉकडाउन बट दोबारा से यहाँ पर शुरू शुरू हो गई

फिक्स एसेट में वन करोड़ रुपीज वर्किंग प्रोग्रेस में वन करोड़ इन्वेस्टमेंट वन करोड़ एज वेल एज बात करें यहाँ पर ट्रेड रिसेवल दो सत्तर करोड़ एक सौ तेईस करोड़ का कैश पड़ा हुआ है जो भी पैसा आता है इनकी यहाँ पर बुक में दिखाई देता है और ऐसा कोई साल नहीं गया पिछले दस ग्यारह साल में कि इनका नेगेटिव कैश फ्लो हो एज वेल एज़ आर ओ देखे तो अच्छी खासी आर है 19 परसेंट और यहाँ पर प्रोमोटर्स की होल्डिंग की बात करते हैं तो 67.88 परसेंट की होल्डिंग यहाँ पर नज़र आती है इनकी प्रोमोटर्स की एज वेल एज़ हम एफ की बात करते हैं एफ थोड़ी सी है बल फिर भी उन्होंने अपनी ना के बराबर बढ़ाई है बट बढ़ाई है यहाँ पर जहाँ पॉइंट जीरो वन परसेंट थे वहाँ पॉइंट है डी की बात करें वो भी ना के बराबर है बट अगर हम पब्लिक की बात करते हैं तो तो 1.26 के के पास है, के पास है है तो 1.38 अगर हम पर पर से घटा uh, देते हैं तो उनतीस परसेंट की हिस्सेदारी अभी भी लोगों के पास है तो इस चीज को देखना पड़ेगा ऑपरेटर भी इसमें एक्टिव होंगे सब चीज एक्टिव होगी और जब यहाँ पर इस बार के जब रिजल्ट दिखाएगा और अच्छे खासे रिजल्ट दिखाएगा तो यहाँ पर ये यह शेयर भागता हुआ दिखाई देगा अब बात कर लेते हैं कुछ टेक्निकल्स की तो यहाँ पर देखिए चार्ट पैटर्न तो बन ही रहा है यहाँ पर अभी रिमूव कर देते हैं यहाँ पर देखिए सबसे पहले यहाँ से इसने यहाँ पर अभी अपना 52 वीक हाई खाई लगाया था इसके अलावा एक छोटी सी यहाँ पर गिरावट होती हुई दिखाई दी इसके रिजल्ट के बाद और यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो ये शेयर दोबारा भागता हुआ नजर आ रहा है और नीचे से ये ऊपर की तरफ जाता हुआ नजर आ रहा है जब भी नीचे से ऊपर जाता है ना तो शेयर यहां पर सेवन परसेंट के आ, अगर बात करें आर पर आई पे आते ही है और अभी फिफ्टी के आर पे चल रहा है पहली बात अगर दूसरी बात की हम बात करते हैं तो यहाँ पर देख लीजिए यहां पर एक चार्ट पैटर्न बनता हुआ नजर आ रहा है इसने यहाँ पर भी एक हर्डल लिया था यहां पर भी इसने हर्डल लिया है तो दो तीन तरीके से यहां पर भी लिया है तो यहां पर भी लिया और नीचे से भी अगर बात करें तो यहां पर एक सपोर्ट

ओके okay, तो रिवर्स हेड एंड शोल्डर अगर बात करें यहां पर एक शोल्डर बनाया फिर हेड बनाया फिर एक छोटा सा यहां पर शोल्डर बनता हुआ नजर आ रहा है और इस हिसाब से अगर टारगेट हम देखें तो मोस्टली ऐसे टारगेट अचीव होते ही है और हमारी बहुत सारे जो हमने वीडियोज बनाई है उसमें हमारे टारगेट अचीव हुए हैं तो ये भी टारगेट हम देखें तो अच्छा खासा हमें नजर आ रहा है और ये शेयर अब दोबारा भागता हुआ मुझे नजर आ रहा है एटलीस्ट तो यहाँ पर अगर देखते हैं ये थोड़ा सा और नीचे चले जाते हैं ओके कोई इशू नहीं है तो हम अगर यहाँ पर देखते हैं कितने टारगेट इसके नजर आ रहे ये शेयर कितना भाग सकता है तो यहाँ पर देखिए ये शेयर थ्री फोर्टी फोर सकता है यहाँ पर जो इसके त.. यहाँ से जो टारगेट नजर आ रहे हैं बट इससे पहले यहाँ पर पर जाए बट इससे पहले तो ये शेयर दो तीन जगह यहाँ पर रुक सकता है पहली बात यहाँ पर रुक सकता है क्योंकि यहाँ पर इसने काफी बार सपोर्ट लिया है तो यहाँ पर एक सपोर्ट है एज वेल एज दूसरा सपोर्ट की बात करें ओके okay, दूसरा जो टारगेट कह सकते हैं फिर यहाँ पर एक टारगेट नजर आ रहा है तो सबसे पहले यहाँ पर टारगेट वन का है तो फिर टू पे जाएगा फिर टू फिर थ्री इस तरीके से स्टेप बाई स्टेप करके कर यहाँ पर शेयर जाएगा और अच्छा खासा आपको गेंद देता हुआ नजर आएगा तो इसमें रह सकते हैं और अगर हम रिसेंट हाई से यहां पर अगर देखें जो हमारे टारगेट नजर आ रहे कितने नजर आ रहे हैं तो कितने परसेंट के नजर आ रहे हैं तो एक बार देख लेते मिनट तो जो ये टारगेट नजर आ रहे हैं हम अभी अभी से देखते हैं यहाँ पर लगभग तो लगभग लग आपका पैसा 105 परसेंट का यहाँ पर गेन नजर आ रहा है जो कि एक से डेढ़ साल के अंदर अंदर इसने एक आध रिजल्ट दे दिए तो अच्छे खासे भागता हुआ नजर आएगा और यहां पर देखिए वॉल्यूम वॉल्यूम अच्छे खासे आने लग गए हैं एज एज वेल एस हम बात करें यहां पर और भी कुछ चीजों की तो यहाँ पर देखिए जब यहां पर सेल्स थी यहाँ पर भी हाईस्ट एवर सेल्स थी और यहाँ पर भी अब दोबारा हाईएस्ट एवर सेल्स आ गए जब हाइएस्ट सेल्स आने शुरू हो गई है तो ये शेयर को ऊपर जाना ही जाना है तो बाइंग सेलिंग की रिकमेंडेशन ही है फाइनेंशियल एडवाइजर खुद की स्टडी करना है बैंक को प्रोडक्ट्स का नाम है बेहतरीन यहाँ पर बिजनेस है सब चीज अच्छा है अच्छे खास रिजल्ट है तो वीडियो अच्छी लगी हो लाइक like, कमेंट शेयर करिए दूसरे के शेयर करिए ताकि इस तरीके की वीडियो आपको मिलती रहे सो थैंक यू सो मच गॉड ब्लेस